ये है इलेक्ट्रिक रिक्शा और ये है CNG ऑटो और हमारे साथ है ये तो हैवी ड्राइवर। दोनों की रेस लगाकर देखी तो भाई साहब रिजल्ट बहुत शॉकिंग निकले। ई रिक्शा में 5 लोग एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन आपने कितने बिठाए? 6-7 बिठा ले भैया। और ऑटो में बस 3 लोग ही बैठ सकते हैं, लेकिन भैया सच सच बताना आपने एक बार में कितने बिठाए? भैया हम तो हाइट भी बिठाते हैं, नो भी बिठाते हैं। हाइट नो बिठाए भाई, लेकिन भाई कम्फर्टेबल तो ऑटो की सीट है। सेफ्टी के मामले में ऑटो ज्यादा सेफ है, लेकिन ई रिक्शा में सेफ्टी थोड़ी कम है। चलो पता लगाते हैं दोनों कितना एवरेज देती है। तो भैया ये एक चार्ज में कितने किलोमीटर चल जाती है? 80 किलोमीटर चल जाती है। और ये ऑटो फुल टैंक में कितना चलता है भैया? ये 200 किलोमीटर चलता है। ई रिक्शे का एवरेज तो कम है लेकिन बहुत इको फ्रेंडली है, लेकिन कमाई के मामले में CNG ऑटो ज्यादा कमा के देता है। और फिर हमने इन दोनों की रेस चालू करी। चलो और भाई रिजल्ट बहुत शॉकिंग निकले क्योंकि ई रिक्शा का पिकअप तो नेक्स्ट लेवल था। तो आप इन दोनों में से किस में बैठते हो कमेंट में बता देना। और वैसे ई रिक्शा को आपके शहर में क्या बोलते हैं? हमारे तो इसको टमटम बोलते हैं।